यहाँ पर होता था। ये जो नेक्स्ट जगह देखने के लिए, ये यहाँ का शस्त्रालय है, एमनिशन रूम। यहाँ पर हर गेट के ऊपर गणेश भगवान की प्रतिमा लगाई जाती थी, जो सबसे बड़े विघ्न विनाशक होते थे, संकट मोचन होते थे। इसलिए हर प्रकार के संकटों और विघ्नों से सुरक्षा करें। दरवाजों की आप हाइट देखिए, यहाँ पर लोग जो होते थे नॉर्मली 6.5 से 7 फीट हाइट होती थी, लेकिन इन दरवाजों की अगर आप हाइट देखेंगे तो 5 फीट से ज्यादा नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से इन दरवाजों को छोटा बनाया जाता था। इसके सबसे बड़े 3 कारण थे। पहला कारण, यहाँ पर बहुत गर्मी होती थी और धूल भरी आंधी चलती थी, इसलिए धूल भरी आंधी हवा के साथ धूल अंदर नहीं आए और गर्मी एक साथ अंदर नहीं घुसी, उस हिसाब से इस गेट को छोटा रखा गया था, क्योंकि आदमी को अगर लू लग जाती है तो उसको पक्षाघात आने, लकवा मारने का चांस रहता है। दूसरा, बाहर से जो सैनिक आएगा उसको नहीं पता, अगर वो महल के अंदर प्रवेश करते तो भागते हुए अंदर आएंगे तो सर टकराएगा और वो नीचे टकरा करके नीचे गिर जाएगा। अगर थोड़ा बहुत समझदार है तो बाहर नीचे सर झुका के अंदर चला जाए, तो यहाँ के जो सैनिक होते थे दरवाजे के पीछे खड़े रहते। हर सेना का अपना एक ड्रेस कोड होता था, दूसरा ड्रेस कोड देखते ही वो सेना वाले वो सामने वाले सैनिक को मार देते थे। सुरक्षा की दृष्टि से इस गेट का इस तरह से उपयोग होता था। और तीसरा, जो भी राजा के सामने आएगा वो सर झुका के आएगा, तो उस हिसाब से भी इस गेट को छोटा बनाया जाता था, तो राजा के सामने कोई भी जाए तो सर झुका के जाए। अब चलेंगे अपन इसके अंदर। सबसे बड़ा कारण है हाइट छोटी रखने का, गर्मी से बचाव के लिए। ये जो लकड़ी लगी हुई छत के ऊपर, ये केर की लकड़ी है, जिसके ऊपर सेवन घास डाला जाता था, उसके बाद मिट्टी डाली जाती थी और उसके बाद गोबर मिट्टी से लिप जाता था, जिससे छत क्या वातानुकूलित हो जाती थी। सर्दी के मौसम में ये रूम गर्म रहते थे और गर्मी के मौसम में ये रूम ठंडे रहते थे, और गर्मी ज़्यादा नहीं लगे। जितनी ज़्यादा हाइट ऊपर रहेगी तो गर्मी लगेगी, जितना ज़्यादा ये मिट्टी वाले छत नीचे पास में रहेगी तो नीचे अंदर कमरा ठंडा रहेगा, तो उस हिसाब से इसको नीचे रखा गया छत को। और ये जो आप सामने देख रहे हो, ये एक विशेष प्रकार का एक पेड़ होता है, जिसके ऊपर इस तरह के गोल गोल फल लगते हैं, जिनको पेल निकाल करके, इनका गुंदा निकाल करके इनको गोल टाइके में बारूद रखने के लिए काम में लगाया जाता था, जिसको तुम्बी बोलते हैं। जब इसको पूरा लकड़ी को निकाल करके सुखाया जाता था, सूखने के बाद इसके ऊपर चमड़े का कवर चढ़ाया जाता था, उसके ऊपर ढक्कन लगा देते थे, बारूद भर के इसको बगल में टांगा जाता था। छोटी छोटी राइफल्स होती थी जिनमें गोलियां नहीं होती थी उस जमाने में, तो उसके अंदर बारूद भर के फिर फायर किया जाता था, जिसको देसी भाषा में देसी कट्टा बोलते हैं। और ये छोटा सा एक सुराही है, लोहे का बना हुआ है, पानी पीने के लिए रखा जाता था महल में, ऊपर नीचे आते जाते समय कभी भी इसको यूज किया जा सकता है। घोड़े के चामुक, ये लकड़ी का बना हुआ है घोड़े का चामुक, ये जो बना हुआ है ये ऊंट की हड्डी का बना हुआ, कैमल बोन का, ऊंट की हड्डी का बना हुआ, जिसके ऊपर पेंटिंग बनाया है, तो ये बहुत महंगा बिकता है। ये घोड़े की लगाम है, ये ऊंट की मोरी बनी हुई है जिसके उसको कंट्रोल किया जाता है। गांव के समय का सबसे खतरनाक हथियार, जिसको धनुष बाण बोलते हैं, तीर कमान भी बोलते हैं, लंबी दूरी के लिए इसको सामने से दुश्मन को खत्म करने के लिए काम में लिया जाता था। पुराने जमाने में एक प्रकार का तीर होता था जिसको ब्रह्मास्त्र बोला जाता था, जिसको वायुमंडल को खत्म करने की उसके अंदर शक्ति रहती थी, जो देवी देवताओं के वरदान से प्राप्त था। जैसे आजकल परमाणु बम काम करता है, वैसे ही वो ब्रह्मास्त्र काम करता था। अब चलेंगे अपन राज सिंहासन देखने के लिए। इसको बोलते हैं दीवान खाना, बहुत सीक्रेट रूम है। जैसलमेर राज्य का संसद भवन है, ये इसका दरवाजा है। सामने जो आप सिटिंग देख रहे हो, ये महारावल का बैठने का स्थान होता था, यहाँ का राज सिंहासन। राज सिंहासन क्यों बोलते हैं? सामने जो कुर्सी बनी हुई है आप देखेंगे, उसके नीचे सिंह की आकृति बनी हुई है, और उसके ऊपर आसन, आसन यानी बैठने का स्थान, सिंह के ऊपर जो बैठने का आसन स्थान होता है उसको सिंहासन बोलते हैं, और जिसके ऊपर राजा बैठते हैं तो उसका नाम राज सिंहासन हो जाता है। ये जो पूरा राज सिंहासन बना हुआ चांदी का बना हुआ है, जिसके ऊपर एक तलवार लगी हुई आप देखिए, लंबी सी तलवार है, 5 फीट जिसकी हाइट है। अब आप सोच सकते हैं जो 5 फीट लंबी तलवार अपने हाथ में रखता तो उसकी हाइट बॉडी क्या होगी। इसके दोनों तरफ धार होती थी, युद्ध में ज़्यादातर तलवारें ऐसी काम ली जाती, जो गोल घूमी हुई तलवारें होती थी वो खाली हाथ में पकड़ने के लिए 100 पीस के लिए तलवारें काम में ली जाती थी। इस सिंहासन के पीछे की तरफ आप देख रहे हो एक अम्ब्रेला है, छाता बना हुआ है पीला और लाल कलर जिसके अंदर है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे उसके एक पीतल का कलश जैसे लग रहा है, जबकि वो सोने का कलश है। ये ऊपर वाला दिख रहा है सोने का कलश है। अब छाते के नीचे देखिए छोटी छोटी पत्तियां बनी हुई, ये पत्तियां जो नीचे घेरे के नीचे लगी, हाँ ये जो पीली पीली दिख रही है ये सब सोने की बनी हुई, और पीछे जो डंडा लगा हुआ है छाते को खड़ा करने के लिए वो भी सोने का बना हुआ है। उसको बोलते हैं मेघाडम छत्र। मेघाडम छत्र का मतलब क्या है? कृष्ण भगवान की, इंद्र भगवान की विजय हुई थी, जब उनका दोनों का युद्ध हुआ और उन्होंने इंद्र भगवान को परास्त कर दिया, तो इंद्र भगवान ने अपनी यादाश्त, युद्ध को यादाश्त के रूप में रखने के लिए उनको एक मेघाडम छत्र प्रदान किया था। तो कृष्ण भगवान के जितने भी वंशज होते हैं वो अपने राज सिंहासन के विशेष मेघाडम छत्र को लगाते हैं, जो यादवों की सबसे बड़ी निशानी। अब
इस तरफ चारों तरफ चार सिंहासन लगे हुए, चार छोटी छोटी कुर्सियां लगी हुई सिंहासन के सामने की तरफ। एक तरफ मंत्री, एक तरफ दीवान, एक तरफ वेद मंत्री और एक तरफ सेनापति, ये पांचों लोग बैठते थे। ये पांचों लोग बैठ करके यहाँ के राजकाज के बारे में नए नए कानून बनाने, नए नए नियम लागू करने, नए टैक्स लागू करने, और राज्य के लिए जब युद्ध होता था पांच लोगों के अलावा किसी को भी यहाँ अंदर आना अलाउ नहीं होता था। ये है यहाँ का राज सिंहासन। जब नया राजा बनाया जाता है तो उसको पहले यहाँ राज तिलक करते, उसके बाद पब्लिक के सामने जो बाहर मार्बल का सिंहासन दिया जाता है देखा था वहां ले जाते हैं। ये है हमारे भूतपूर्व महारावल ब्रजराज सिंह। 13 मार्च 1982 में इनका राज तिलक हुआ था और 20 मार्च 2023 में इनकी डेथ हो गई कोरोना काल के अंदर। अभी इनके लड़के हैं चैतन्य राज सिंह, वो यहाँ के राजा। अभी जो अपन खड़े हैं, पुराने जमाने में दूरबीन या कैमरे वगैरह नहीं होते थे, उस जमाने में दूरबीन नहीं होती थी, कैमरे नहीं होते थे, तो उन्होंने अपना जो साइकोलॉजी थी, अपनी इंजीनियरिंग थी, उस हिसाब से यहाँ पर एक खिड़की रख करके एक दूरबीन बनाया, जिसको उस जमाने का टेलीस्कोप बोल सकते हैं या कैमरा बोल सकते हैं अपन। यहाँ से पहले गेट के ऊपर नज़र रखी जाती थी, जब कभी भी अचानक कोई आक्रमण होता था तो उस गेट के ऊपर जो सैनिक खड़े रहते थे वो लाल झंडा हिलाते थे। और यहाँ नीचे से जो अपन ऊपर से नीचे से देखा था, ये जो नगाड़ा ब्रिज, या नगाड़ा ब्रिज के अंदर नगाड़ा बजा दिया जाता था, जिससे क्या होता था पूरा सेना और पूरा शहर अलर्ट होता था और उसके बाद युद्ध की तैयारी की जाती थी। ये नगाड़ा ब्रिज जो अपन ने नीचे से देखा था, और ये सीसीटीवी कैमरे उस जमाने के पहले गेट के ऊपर नजर रखने के लिए। अभी जो अपन खड़े हैं इसको बोलते हैं होली चौक। यहाँ पर होली मनाई जाती थी, क्योंकि ये लोग भी कृष्ण भगवान के वंशज है, इसलिए होली बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होता था। रेगिस्तान में पानी की बड़ी महत्ता होती थी, इसलिए पानी के साथ जब होली खेलते थे तो ऊपर सारे राजा लोग और राज परिवार के लोग, और यहाँ राज परिवार की औरतें खड़ी रहती थी, रानी महारानी राजकुमारियाँ वगैरह सब, जब ऊपर से कलर वाला जो पानी डाला जाता, रंग वाला पानी उनके ऊपर गिराया जाता था, तो इस नाली के द्वारा उस पानी को नीचे वापस इकट्ठा किया जाता था। ये नाली नीचे जा करके जिसके आगे बहुत बड़े बड़े तांबे के बर्तन रखे जाते थे, जिसमें ये सारा पानी इकट्ठा हो जाता था। उस पानी को वापस यूज करने के लिए क्या किया जाता था, उसके अंदर मुल्तानी मिट्टी डाली जाती थी और फिटकरी डाली जाती थी। फिटकरी से क्या होता था, पानी कलर से अलग हो जाता था और उस सारी गंदगी को लेकर के मुल्तानी मिट्टी पेंदे में बैठ जाती थी। फिर वही पानी नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, पशुओं को पिलाने के लिए, कपड़े धोने के लिए काम में होता था। रेगिस्तान में पानी की कमी होने के कारण एक पानी को चार दिन चार चार बार यूज किया जाता था, उसी को वापस छान करके। अब चलेंगे अपन अंदर की तरफ। ये क्या बना सर? ये तो अभी रखा है ऐसे 100 पीस फवारा। ये सारी 15वीं शताब्दी की मूर्तियां हैं, बाहर मंदिरों में होती थी। मुगलों के द्वारा जब मंदिरों को तोड़ा जाता था तो वहां से इकट्ठा करके यहाँ ला करके राजभवन में रखी, सुरक्षित रखी जाए। कलाकार जो अपनी कलाकृति बनाता है अपनी सोच और समझ के अनुसार बनाया जाता है। ये जो पहली मूर्ति आप देख रहे हो ये कृष्ण भक्ति रस के अंदर बनी हुई है। रेत में दबने के कारण ऊपर पानी लगने के कारण ये काली हो गई है। इनके ऊपर पानी नहीं लगा तो जैसलमेर पत्थर में बनी हुई भगवान श्री रामचंद्र की प्रतिमा वैसी की वैसी है। ये जो गेटअप देख रहे हो आप, ये जो ड्रेस वेशभूषा है, ये श्री रामचंद्र भगवान का जब वनवास दिया गया था उस समय का उनका है। और पीछे जो तीसरे नंबर की जो आप प्रतिमा देख रहे हो, ये औरतों के अंदर 16 श्रृंगार होते हैं, उनमें से जो अंतिम श्रृंगार होता है मांग में सिंदूर बना, तो दर्पण को देख करके, दर्पण में देख करके स्त्री अपनी मांग भर रही है। वह श्रृंगार है स्त्री का, उसके लिए प्रतिमा है जिसमें औरतें सबसे ज़्यादा समय रहती है अपने केश सवारने के लिए। और रेगिस्तान में जब स्नान करते थे तो बालों के अंदर जो पानी होता था उसको भी वेस्ट नहीं करते थे, व्यर्थ नहीं जाने देते, उसको भी काम में लिया जाता था। तो रूम के अंदर जो मिनी प्लांट पौधे होते थे, नीचे देखिए आप पौधा बना हुआ मिनी प्लांट, उस पौधे के अंदर इसके बालों के पानी को दिया जाता था, ड्रिप ड्रिप उसके अंदर पानी जाता था। तीसरा, एक औरत पत्र लिख रही है। तो पुराने जमाने में भी हिंदुस्तान के अंदर औरतों को पढ़ाया जाता था, तो ये राजकुमारियों को पढ़ाया जाता है संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, अरबी फारसी पढ़ाया जाता था ताकि वो योगी बने। और ये जो प्रतिमा है कृष्ण भक्ति रस के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जब पोस्ट ऑफिस नहीं होते थे, डाकघर नहीं होते थे, उस जमाने हिंदुस्तान में डाकघर की व्यवस्था थी, वो किस तरह से होती थी वो इस प्रतिमा के द्वारा दिखाया गया। पुराने जमाने में कबूतरों को प्रशिक्षित किया जाता था, जिसको सुख बोला जाता था, सुख संदेश होते थे, एक जगह से दूसरी जगह जो कबूतर होते थे वो पत्रों का आदान प्रदान करते थे। वो ये एक 12 प्रकार के रस होते हैं हिंदू धर्म के अंदर, उनमें से एक रस है माता का अपने पुत्र के प्रति, जिसको वात्सल्य रस बोला जाता है। वात्सल्य रस का मतलब होता है जब माता अपने बच्चे को दूध पिलाती थी तो उसको लोरी सुनाती थी, ये उसकी प्रतिमा है। और ये वही वापस कृष्ण भगवान के भक्ति रस में डूबी हुई प्रतिमा है।
और ये जो जो मंदिर बनते थे उसके ऊपर जो गोल टॉप डोम बनाया जाता था, टॉप बनता था, उसके अंदर अप्सरा और गंधर्व की प्रतिमा बनी हुई ऊपर की तरफ जो गोल बनाता था। तो पुराने जमाने में जब नीचे कोर्ट, जो नीचे के वाले न्यायालय होते थे, उनके न्याय से जो लोग संतुष्ट नहीं होते थे वो खुद राजा से न्याय करते थे। तो राजा महीने में एक बार आम दरबार लगाते थे, जनता के दरबार, जिसके लिए राजा यहाँ बैठते थे। और ये चौक होता था जहाँ पब्लिक बैठती थी। महल के अंदर आम पब्लिक को जाना अलाउ नहीं होता था, इसलिए एक डायरेक्ट दरवाजा था, यहाँ से सीधी जनता ऊपर आती थी, यहाँ बैठ दिए जाते थे और उसके बाद राजा से वो न्याय मांगते थे। राजा जो भी न्याय करते थे वो फाइनली न्याय होता था, उसको माना जाता था। ये एज ए सुप्रीम कोर्ट होता था। लेकिन एक परंपरा होती थी, राजा के पास कोई भी खाली हाथ नहीं आता था। गरीब से गरीब आदमी है तो अगर फूल भी ला सकता है, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो फूल ला सकता है, कुछ फल ला सकता है, लेकिन राजा के पास खाली हाथ नहीं आएगा। कुछ न कुछ उनको ला करके यहाँ उनके आगे टेबल रखी होती उसके ऊपर रख देते थे, जिसको राजस्थानी परंपरा में बोला जाता था नजराना भेंट करना। नजराना भेंट करने के बाद वो अपनी बात रखते थे और उसके ऊपर राजा फैसला सुनाते थे। जो राजा फैसला सुनाते थे वो लास्ट डिसीजन होता था, अंतिम निर्णय। जैसे